स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर है हमारा वेरिएशन। एक्सरसाइज नंबर 3.1A के अंदर हमने तीन चीजों के बारे में डिस्कस करना है, वेरिएशन, रेशो और एंटीसीडेंट कंसीक्वेंस। पहला टॉपिक वेरिएशन। वेरिएशन मींस एनी चेंज और स्लाइट डिफरेंस, यानी एनी चेंज स्लाइट डिफरेंस इन बिटवीन सर्टन वैल्यूज विद इन सर्टन लिमिट्स विद इन सर्टन टाइम, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसी भी वैल्यूज के अंदर, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर, क्वांटिटीज के अंदर जो भी चेंजिंग आएगी वो हमारा वेरिएशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक है रेशो। रेशो है कंपैरिजन बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज, यानी कोई सी भी दो एक जैसी क्वांटिटीज को जब आप कंपेयर कर देते हो तो वो आपका क्या बन जाता है, रेशो बन जाता है। किसी भी दो वैल्यूज के दरमियान, एक जैसी दो वैल्यूज के दरमियान आप इक्वालिटी कर देते हैं तो वो भी रेशो बन जाएगा। सपोज 3:2, ये आ गया रेशो का कांसेप्ट। आगे चीज थी एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस, ये निकलता है रेशो से। कोई भी रेशो हो जैसे 4:5 है तो फर्स्ट क्वांटिटी जो होगी वो हमारा एंटीसीडेंट होगा और जो सेकंड क्वांटिटी होगी वो हमारी कॉन्सिक्वेंस होगी। यानी इसमें 4 क्या है, एंटीसीडेंट, और 4 क्या है, कॉन्सिक्वेंस। ये हमारा रेशो, एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंस और वेरिएशन का कंसेप्ट आ गया। अब हम प्रॉपर एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें क्या क्या सिंपलीफाई का फॉर्मूला, हमने इनको सिंपलीफाई करना है। इसके पार्ट्स थोड़े ज्यादा है, मैंने आपको समझाने के लिए सारे 2 वैल्यूज वाला, फिर 3 वैल्यूज वाला और फिर 4 वैल्यूज वाला स्टार्ट किया है। पहला है 6:12। हमने इसमें यह करना है कि किसी भी एक वैल्यू के साथ, किसी भी एक टेबल के साथ हमने इनको कटिंग कर देनी है। जैसे ये 6:12 है, हम देखते हैं कि ये 6:2 के टेबल में भी आता है, ये 12 भी आ जाता है, 3 भी आ जाता है दोनों में, उसके बाद 6 के टेबल में भी दोनों डिवाइड हो जाते हैं। यहां से आपके पास अपनी मर्जी, आप स्टेप वाइज कटिंग कर लें, यानी पहले 2 से करें फिर किसी और से काट दें फिर फाइनल कटिंग कर दें, या एक ही दफा जो बड़े से बड़े टेबल से दोनों या 3 या 4 जितनी भी वैल्यूज हों वो सारी किसी एक बड़ी से बड़ी वैल्यू के साथ कट जाए, आप डायरेक्ट काट दें। हमने देखा ये मैक्सिमम वैल्यू जो बड़ी से बड़ी 6 ऐसी है जो दोनों को डिवाइड करती है, यानी 6:1, 6:2, 12, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब हम 3 वैल्यूज के ऊपर आते हैं। अब आप देखेंगे कि ये वैल्यूज तीनों की तीनों इवन है, इवन टेबल्स के साथ ऐसी कट जाएगी, 2 से भी कटेगी, ये 3 से भी कट जाती है, 4 से भी कट जाती है, 6 से भी कट जाती है, आप स्टेप वाइज कटिंग करें आपकी अपनी मर्जी। आपने देखा कि ये ऐसी वैल्यूज है जो 12 के टेबल में भी आ रही है, यानी 12:1, 12:3, 12:4, 12 बड़ी सी बड़ी ऐसी वैल्यू है जो तीनों को डिवाइड एक स्टेप में कर जाएगी, हम डायरेक्ट किसकी कटिंग कर देते हैं, 12:1, 12:3, 36, 12:4, 48। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, पार्ट नंबर 7, इसमें 4 वैल्यूज आ रही है। अब देखते हैं ये कौन सी ऐसा टेबल है, कौन सी ऐसी वैल्यू है जो चारों को डिवाइड करती है, तो ये आपकी 9 पे डिवाइड हो जाएगी, 9:1, 9:2, 9:3, 9:27, 9:4, 36। यहां से देखें मजीद की कटिंग होती है, मजीद कोई भी ऑप्शन नहीं है, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ऊपर आते हैं। यहां पे आपको कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इफ ईच ऑफ फॉलोइंग रेशियोज आर इक्वल, यानी यहां पे कंडीशन लगा गया है, रेशियोज 2 दे गया है और दोनों के दोनों रेशियोज को आपस में क्या कहता है, आर इक्वल। यानी ये फर्स्ट रेशियो है 3:5, सेकंड रेशियो है x:6। इसने सवाल के अंदर आपको बोला है कि दोनों रेशियोज क्या है, इक्वल, यानी दरमियान में हम इक्वलिटी का साइन दे देंगे। अब हम पहली वैल्यूज को आखिरी से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को थर्ड से, और ये एक रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, हम शॉर्टकट इसको लिखते हैं px इक्वल pm।
पीएच का मतलब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहली और आखिरी घड़ी, पीएम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेकंड और थर्ड है, यानी फर्स्ट थ्री थी लास्ट वाली सिक्स इक्वल सेकंड फाइव थर्ड एक्स, अब थ्री एक्स एटीन फाइव एक्स फाइव एक्स, हमने वैल्यू निकाली है एक्स की, हम देखते हैं एक्स के साथ एक्स्ट्रा कौन है फाइव, वो फाइव एक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आपके 18 पे क्या हो जाएगा डिवाइड, ये 18 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू एक्स, हमने 18 को 5 पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारा 3.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसमें कहता है डिवाइड द फॉलोइंग क्वांटिटीज इन द गिवन रेशियो, अब आपको क्वांटिटीज भी दे देगा और साथ में रेशियो भी दे देगा, आपने जितनी क्वांटिटी है उसकी गिवन रेशियो के साथ डिवाइड कर देगा, सम टाइम आपको दो रेशियो देगा, सम टाइम आपको चार बताएगा, सम टाइम आपको तीन बताएगा, और कभी कभी आपको रुपीज में देगा क्वांटिटीज, कभी कभी आपको केजी में दे देगा, कभी कभी लीटर मिलीलीटर जो भी होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, अगर रुपीज होंगे तो हम टोटल अमाउंट का जिक्र करेंगे, अगर वेट होगा तो टोटल वेट का जिक्र करेंगे, आपके रुपीज है तो हम लिखते हैं टोटल अमाउंट, यानी हमारी टोटल अमाउंट जो है वो 20816 है जिसको हमने डिवाइड करना है, अब गिवन रेशो कितनी है, गिवन रेशो है आपकी 1:2, यानी 816 को आपने 1:2 में डिवाइड करना है, यानी इसका एक हिस्सा अलग करना है दो हिस्से अलग करने हैं, तो इसका रूल ये है कि पहले हम निकालेंगे सम ऑफ रेशोस, रेशो दो थी एक वन थी दूसरी टू थी, सम का मतलब प्लस कर देना, दो है तो दोनों को प्लस कर दें, चार हुई तो हम चारों को प्लस कर देंगे, तो 1+3, अब हम इन्हें डिवाइड करना है इस 816 को, पहली रेशो 1 है, यानी अब हम देखेंगे अमाउंट ऑफ फर्स्ट रेशो देन अमाउंट ऑफ सेकंड रेशो, तो हम पहले जिक्र करते हैं अमाउंट ऑफ फर्स्ट रेशो, इसका असूल ये है कि सबसे पहले ऊपर रेशो, रेशो क्या थी पहली 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो 3 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितनी थी 816, अब देखें आप यहां से डायरेक्ट कटिंग भी कर सकते हैं 3 के साथ देन मल्टीप्लाई करते हैं, या ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको आप 3 पे डिवाइड करते हैं, हम कटिंग कर देते हैं 3 टू जा 6, 2 आगे गया 21 बना, 3 7 जा 21, फिर 6 बच गया 3 टू जा 6, यानी आपका बच गया 1 मल्टीप्लाई 272, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 272 आ जाएगा, यानी फर्स्ट अमाउंट क्या बन गई 272, अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं, जहां पे लिखा था अमाउंट ऑफ फर्स्ट रेशो वहां पे हम जिक्र करेंगे अमाउंट ऑफ सेकंड रेशो, अमाउंट ऑफ सेकंड रेशो, मैंने सेकंड के लिए और फर्स्ट के लिए इस तरह जिक्र किया है, वन लिख के ऊपर एस टी लिख दिया, सेकंड के लिए टू लिख के एन डी लिख दिया, ये सेकंड बन गया, और अगर यहां पे फर्स्ट के और सेकंड के पूरे स्पेलिंग लिखते हैं तो वो भी ठीक है। अच्छा सेकंड रेशो देखते हैं, हमारी सेकंड रेशो 2 है, असूल वही पुराना, ऊपर रेशो नीचे सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, हमने कटिंग पीछे की थी सेम वही कटिंग यहां पे भी होगी 272 ऊपर 2 मल्टीप्लाई 272, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 272 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 2 7 जा 14 1 कैरी किया 2 2 जा 4 4 और 1 5 यानी सेकंड रेशो की अमाउंट कितनी आ गई 544। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है, 3 और 4 में डिफरेंस जस्ट इतना है कि 3 में आपको उसने रुपीज में लिया था, हमने टोटल अमाउंट का जिक्र किया, आगे आपको केजी और मिलीलीटर या लीटर में देगा, यानी वो आपका वेट गिवन है, तो जहां पे मैंने टोटल रुपी अमाउंट का जिक्र किया था वहां पे आपने वो क्या लिख देना है टोटल वेट, इसलिए आप चौथा स्किप करते हैं वो आपने खुद करना है। हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, इसमें कहता है वकार है रुपीज
9800, यानी प्रकाश के पास टोटल अमाउंट कितनी है? 9800, यानी प्रकाश के पास टोटल 9800 रुपीज है। He wants to distribute this amount among two persons. कहता है कि वो इस अमाउंट को, इन रुपीज को दो बंधु में डिवाइड करना चाहता है, इन द रेशो 2:3। तो आपके पास गिवन रेशो क्या आ गई? 2:3। यहाँ से फिर वही पिछला प्रोसेस, यानी पहले क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशोज, यानी 2+3, ये हमारा 5 आ गया। अब हम देखते हैं कि दोनों को हमने रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करना है। वहां पे क्या थी? अमाउंट था। यहाँ पे क्या जिक्र आ गया? पर्संस। तो यहाँ पे हमने लिखा था अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन रेशो, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, फिर अमाउंट ऑफ सेकंड पर्सन। यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ फर्स्ट पर्सन, पहले आदमी को कितने पैसे मिलेंगे। पहले की रेशो है 2, सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट 9800। अब हम इसकी सही देख लेते हैं। 5 1 5, 4 आगे गया 48 बना, 5 9 45, 3 आगे गया 30 बना, 5 6 30, 1 0 बच गया, ये एच डी ऊपर चला जाए, यानी 2 × 1960। आप इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 0 0, 2 6 12, 1 कैरी, 2 9 18, 3 1 जो कैरी था 19, फिर 1 कैरी, 2 1 1, 1 1 3 आ गया, ठीक है जी। 2 1 2, 2 जो पीछे का कैरी किया था वो प्लस किया तो 3 आ गया, यानी पहले पर्सन को मिलेंगे 3920 रुपीज। अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं, यही प्रोसेस चलेगा, बस रेशो बदलेंगे। अमाउंट ऑफ सेकंड पर्सन, इसमें सेकंड की रेशो डिवाइड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, कटिंग सेम वही पीछे वाली, क्योंकि नीचे सम ऑफ रेशो 5 है और अमाउंट भी वही है, तो कटिंग भी वही आ गई 1960। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 0 0, 3 6 18, 1 कैरी किया, 3 9 27, 27 1 28, अब 2 कैरी चला गया, 3 1 3, 3 2 5, यानी ये आ गई आपकी सेकंड पर्सन की अमाउंट। अब आपने चेक करना हो कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं सही, तो आपके जो दोनों के आंसर आए हैं आप उन दोनों को प्लस करें, आपका फाइनल टोटल आपका ये इसके साथ मैच हो जाता है, तो आपका सवाल ठीक है। नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, आज हम 3.1b स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने प्रोपोर्शन के रिलेटेड पढ़ना है, तो रेशो को हमने पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि रेशो क्या था, कंपैरिजन रिजल्ट टू अलाइन क्वांटिटीज। अब रेशो का प्लूरल है प्रोपोर्शन, यानी दो रेशोस को इकट्ठा कर देना। मेरे पास प्रॉब्लम है, पांच की जगह इक्वलिटी बिटवीन टू रेशोस, दो रेशोस के दरमियान इक्वलिटी कर देना क्या बन जाता है? प्रोपोर्शन बन जाता है। फॉर एग्जांपल दो रेशो इकट्ठी कर दे, पहली x रेशो 3 है, दूसरी 4:5 है, दरमियान में इक्वलिटी के लिए ये दो सिंबल्स चलती है, यानी डबल प्रोपोर्शन, डबल रेशो डाल दे तो वो हमारा प्रोपोर्शन बन जाएगा, ये प्रोपोर्शन की सिंबल है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, पहला है फाइव वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फाइविंग इक्वेशंस। यहाँ पे कहता है 3:x 15:18 और दरमियान में प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ से दो तरीके हैं, या इसको फ्रैक्शन में ले जाए, या जो हमने पिछला पढ़ा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, हम वही चला लेते हैं पीएक्स पीएन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम में पहला और आखिरी, मीन में दूसरा और चौथा, यानी 13 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स ऑफ से कितना करना है 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 15x ना 15x, यहाँ पे 13 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
drop along sir d multiply 18 8 is a 24 2 carry 8 1 is a 8 8 or 2 10 1 3 is a 3 1 1 is a 1 4 as it is 3 b as it is 1 plus 1 2 इन ये हमारा आ गया 234. अब हमें चाहिए था x. x के साथ 15 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. अब आप 234 को 15 पे डिवाइड करो तो 15 बन जा 15 यहां से 8 बन जाएगा 4 नीचे 15 5 जा 35 माइनस करेंगे तो आपका 9 बच जाएगा यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 0 15 6 19 यानी आपने 234 को 15 पे डिवाइड किया तो आपका आ गया 15.6 तो यही आपकी x की वैल्यू है 15.6. अब आपको मैं ये पूरा एक बार रिव्यू कर देता हूँ. आपने x की वैल्यू निकाली थी ये हमें प्रोपोर्शंस दो गिवन थी तो प्रोपोर्शन क्या होता है इक्वलिटी बिटवीन टू रेशियोस यानी px pn पहले को आगे से दूसरे को इससे से दरमियान में इक्वल है. हमने मल्टीप्लाई किया ये चीज आ गई x के साथ 15 मल्टीप्लाई था वहां पे डिवाइड हुआ हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारा 15.6 आंसर आ गया. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. इसमें कहता है फाइंड मास ऑफ 19 केजी ऑफ ट्यूबर यानी 19 केजी चीनी की कीमत निकालो इफ कॉस्ट ऑफ 7 केजी ऑफ शुगर इज 364 रुपीस. आपने निकाली किसकी है और गिवन कितनी है आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 7 केजी ऑफ शुगर 364 रुपीस. यहां से पहले आप 1 केजी की निकाल लें यानी कॉस्ट ऑफ 1 केजी ऑफ शुगर तो आपको 7 केजी की गिवन है 1 केजी की निकालने के लिए टोटल अमाउंट को 7 पे डिवाइड कर दोगे ये आपके रुपीज 52 आ जाएंगे. देन आप देखें हमने 1 केजी की निकाल ली है थोड़ी की हो ज्यादा भी निकाली हो तो हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ 19 केजी ऑफ शुगर यानी 52 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा. जहां पे हम 52 को 19 से मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 18 9 5 45 1 46 1 2 1 5 8 8 6 2 8 5 4 9 हमारे 988 रुपीज की 19 केजी शुगर आएगी. अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम पहले पार्ट जैसे हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. यहां पे सेम पहले सवाल जैसा है बट वहां पे सिंगल सिंगल वैल्यू थी यहां पे दो दो वैल्यूज आ गई है वही प्रोसेस चलेगा px pn यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले को और आखिरी को मल्टीप्लाई दूसरे को और तीसरे को मल्टीप्लाई 8 5 24 2 6 12 2 4 8 1 8 1 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
फोर सेवन यानी एट डिवाइडेड बाई सेवन। अब आप यही पे स्टॉप कर दे, यही आपका आंसर है। अगर आपने इसको डिवाइड करके पॉइंट में जाना है तो आप पॉइंट में चले जाए, यहां से आपकी अपनी मर्जी। ये भी वही चीज डी एक्स इक्वल टू टी एक्सटी ये x x के साथ कट गया। x मल्टीप्लाई x 6 x डिवाइड बाय 3 इधर से 1 ओवर 8। अब देखिए हमें 6 x को अकेला करना है, ये नीचे 3 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो में ये 6 एड चीज
अब हमने 6 को खत्म कर दिया, तो ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जब इसके पास चला जाएगा 8 के पास चला जाएगा, 3 8 6 48 यहाँ से कटिंग हो जाती है, 3 1 3 16 यानी x की वैल्यू आ गई 1/16।